ট্রলি ভিতরে আছে। सो वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइज, और आपका बहुत बहुत स्वागत है नए ब्लॉग में। अभी अभी देव भैया को एक कॉल आया, बलांगी रेलवे स्टेशन के पास किसी के घर के ऊपर एक सांप है, तो अभी हम लोग जाएंगे और वो सांप को रेस्क्यू करेंगे और देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मैं पहली बार स्नेक को रेस्क्यू करूँगा। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। अभी अभी हमें पता चला कि यहाँ पे एक सांप कहीं पे है, अभी उसको रेस्क्यू करना है। पता नहीं वो कौन सा सांप है, बट तो देखने के बाद ही पता चलेगा। वो आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का, कौन सा स्नेक है? कोबरा। कोबरा स्नेक है। नली भीतर अछि खबर, नली देन भीतर ऊपर जन छुआ है सेती अछि। तुम देखो के नाम तो नली भीतर अछि तीनटा लियार। अच्छा, अरे पाखे पाखे की पोचे गोल हिगरो छे। अच्छा अच्छा, डोरे दे छन नै ताके जति लेखन ताई छे पूरा अति जी रे धरती नै मोटा याडा छे। कर आय यार याडा छे जमा नै पड़ो नै याडा छे याडा छे भाई मुझे डर लग रहा है। खंडिया को जूम करो करवा कथा ना। तुम जनता करु बोले से गुजर आम क्या दिल बोले अच्छा धरवार ले खाली अच्छा फास गोटे डर हल लगी ये तमने हंदा ही
नहीं हवा को था मुड़ा डाउन करवा नहीं डाउन करवा तो धरी पार होगा जे हल्ला से देख रहा है मुड़ जो सीधा सरल है सीधा जाके देखो पोटे देखो समस्तों को देखे नहीं शांति होना बहुत मुश्किल है जना बुड़ी जी कारण की पीड़ा हुई ना ताके ये देखिए कितना जोर से चोट लगा है इसे। ए चला चलो इस पाले उड़ी दुईटा दा थेटा ना हां दुईटा डबल दा अब तीन नंबर तो तीन नंबर तो नहीं सेटा तारे ये जंडा हो वेनम छाड़सी है तीरे आज दिन खाए खाना हजम करसी तीन नंबर तो खाना हजम जे चाबाट चाबे नहीं हेती कर सहाय करसी तीनटा दा थेसी ना हां तीनटा दा करबी दुटा दांत मेन ता दिस दांत ओ गुटे खाबाटा भितरे थिसे बोलसो नै ताके सहाय्य करसे डोंट वरी एवरीथिंग लोसर पुड़ गई थिला रही थिला भोसे गई रही थिला से पूरा दरत रे पूरा राग मुड़ रे थिला ये बहुत चल पत्थर बस किचन किचन है मैं पकड़ा हुआ हूँ मरना तेरे को डर नहीं लगता डुंगी नाक किंबा तेंतुली नाक तंबा नाक कहती खंडिया खबरा ट्रीटमेंट तो जहाँ करूँ फिर विथ डॉक्टर के देखे तो बेंडस फेंडस कर भल हवा जनता ना आम रेस्क्यू सेंटर छाड़ी देमु जो फॉरेस्ट एरिया रे। सो डन विद द डे गाइस और आज का ब्लॉग बहुत अच्छा गया। हम लोग ने एक कोबरा को रेस्क्यू किया और आशा करते हैं कि आप लोग प्लीज़ इन्हें इंजर्ड ना करें। प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके बताइए कि अगर आपको कहीं पर सांप दिखता है तो खुद अपने हाथ में हैंडलिंग मत कीजिए स्नैक को, और ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि एक कोबरा के बाइट से आपका जान भी जा सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहिए और एक्सपर्ट भैया तो हमारे साथ हैं ही, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उन्हें जाके फॉलो कीजिए फॉर बेटर अपडेट। और थैंक यू सो मच, थैंक यू दादा। तो गाइस डन विद द डे और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भरा और चुनौती भरा गया क्योंकि आज हम लोग ने स्नेक रेस्क्यू किया और स्नेक को छोड़ा भी। बहुत ही डरावना था मेरे लिए क्योंकि मेरे सामने जब स्नेक ऐसे करके आ जा रहा था तो आई वॉज रियली स्केर्ड, बट या इट्स ओके फाइनली अभी मुझे भी थोड़ा डर कम होते होते जा रहा है।